ओए हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग सितारे में। दोस्तों, भुगतान को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है, किन किन राज्यों में भुगतान होने वाला है दोस्तों, आपको सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले की जैसे आप लोग जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में ये जो लोग नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम पहले भुगतान करवाएंगे। अमित शाह का कहना है कि अब पहले भुगतान उसके बाद फिर मतदान। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यही नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए। तो आपको बता दें कि यह जो देख रहे हैं आप तस्वीरें या तस्वीरों में, आप जगह जगह आंदोलन हो रहा है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी तक भुगतान नहीं मिला है। तो सुब्रत राय साहब का कहना है कि हाँ, मतलब हम भुगतान बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, 20 फरवरी से और 31 मार्च तक। तो दोस्तों 31 मार्च तक बोल रहे हैं भुगतान करने के लिए, जब तक भुगतान ना हो जाए तब तक क्या कहना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भुगतान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आपको जो है अब भुगतान करना पड़ेगा। पीड़ित निवेशक जो लोग पैसा रखे हुए हैं वो लोग पे अपना पैसा यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको बता दें कि हाँ, मतलब किसी अपने काम से रखे हैं, यानी कि लड़की का शादी करना हुआ या बच्चे को पढ़ाना हुआ या फिर और आगे कोई काम करना हुआ, तो वो लोग पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सुब्रत राय साहब का है कि पहले जो है आप लोगों को एक नोटिस जारी किया गया कि हाँ, मतलब हम जो है 31 मार्च तक भुगतान कर देंगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद से हम जो है 20 फरवरी और 31 मार्च तक बोले कि हाँ, मतलब 20 फरवरी से 31 मार्च तक भुगतान कर देंगे। पहले छोटी रकम वालों को करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी रकम वाले को करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, इसीलिए हम डीलिंग कर रहे हैं कि हाँ, मतलब पैसा आ जाए हमारे पास तब जा करके हम भुगतान कर पाएँ। तो दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बगल में बेल आइकन घंटे का निशान दबाकर।